सोमवार को काना की नगरी पूरी तरह से भोलेनाथ की गूंज से गुंजित रही। सुबह से ही भक्तों का सैलाब मंदिरों की ओर उमड़ पड़ा। प्रातः काल से ही शिव मंदिरों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। सुरीर क्षेत्र के गांव परसोती घड़ी की महिलाएं जेहर से भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराकर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना कर रही हैं, जिसके चलते संपूर्ण मंदिर परिसर बम भोले की गूंज से गुंजित हो उठा। जब एक वृद्ध महिला से जेहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिसके लड़के की शादी हुई हो या किसी का लड़का हुआ हो तो उसकी लंबी उम्र के लिए भगवान शिव पर जेहर से जल चढ़ाया जाता है। यह परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। बताओ अम्मा, ये कौन सा गांव है और ये कौन से मंदिर पर चढ़ाई जा रही है जेहर? ये क्यों चढ़ाई जा रही है? सुरीर, सुरीर भोले बाबा के मंदिर, भोले बाबा को मंदिर महजत के। क्यों चढ़ाई जा रही है जेहर? चढ़ी जा रही है खुशी में। खुशी में मतलब ये कब कब चढ़ाई जाती है? सिर्फ 14 रुपए। सिर्फ 14 रुपए? नहीं, किसके उपलक्ष में चढ़ाई जाती है? उपलक्ष मतलब बालक को है जाए, छोरा हो, बालक को ब्याह हो, अपने को चलाई जाती है। हाँ, खुशी में।